अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हमने पढ़ना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको हम बेटा कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन, चार दर्जी इक्वेशन, यानी चार दर्जी मसावात जिसमें एक्सपोनेंट जो होता है वो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो मैक्सिमम फोर यानी चार होता है। कुव्वत नुमा जो होता है किसका, मुतगैर का, वो क्या होता है, चार होता है। इसमें जो है आपने याद रखना है कि अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको आपने याद रखना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते वक्त आप इसको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक में चेंज करने के बाद फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो आप याद रखना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वो फोर होता है, ना फोर से कम होता है ना ज्यादा होता है। इसमें दो टाइप बेटा आ जाती हैं, एक है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इक्वेशन, दूसरा आ जाता है बेटा एक्सपोनेंशियल। यानी इसको कहते हैं माकूस मसावातें, इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन, इसको कहते हैं कुव्वत नुमा वाले, कुव्वत नुमाई मसावातें। आपने बेटा याद रखना है कि रेसिप्रोकल में ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स स्क्वायर में बदल दिया जाए या एक्स के लिए 1 ओवर एक्स यकसा हो जाए, एक ऐसा हो जाए। यानी अगर हम उसको 1 ओवर एक्स करते हैं या एक्स करते हैं, इसी तरह से एक्स स्क्वायर करते हैं या 1 ओवर एक्स स्क्वायर करते हैं, इसमें किसी के किसी का सलूशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी वो हर हालत में यकसा हो जानी चाहिए इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन या माकूस मसावातें। इसके बाद देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बेटा ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के तौर पर कुव्वत नुमा जो होता है वो क्या होता है, मुतगैर होता है। मुतगैर जो है या वेरिएबल है एज अ कुव्वत एज अ एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बेटा आपकी ये डेफिनेशन दोनों जो है ना आपके चैप्टर के आखिर में दी गई है, वहां से आप जो है ना इसको देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बगैर टाइम जाया किए हुए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 बेटा आपके पेज नंबर 11 पर मौजूद है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इनमें से बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें यह है कि 2x4 is equal to 9x² - 4। बेटा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए हैं, 2x4 प्लस का इधर -2x² - 4 is equal to 0 हो जाएगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है x4 जो है ये बताता है, ये जाहिर करता है कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक को
बेटा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको पता है कि मैथ में आप कोई भी चीज लेट कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, तो यहां पर भी आप लेट कर लो, लेट फॉल्स करें। क्या फॉल्स कर रहे हैं बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है नंबर वन। बेटा इसका स्क्वायर है, दूसरी तरफ से भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो बनेगा एक्स फोर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेटा ये दूसरी कंडीशन हो गई। इस तरह से हमने देख लिया कि अगर हम लेट कर लें एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल और एक्स फोर को वाई स्क्वायर के इक्वल, तो ये वाई क्वाड्रेटिक जो है ये किसमें चेंज हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा टू वाई फोर वाई स्क्वायर माइनस 9y plus 4 is equal to 0। अब बेटा इसके बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब इस सूरत में आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड? एक तो था फैक्टराइज का, फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल करना है किसी मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपका कोई भी मेथड गलत नहीं होगा। आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें बेटा होता है 8 के फैक्टर्स बनाए 1 एंड 8 2 एंड 4, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है प्लस में है, लिहाजा प्लस करने से 9 आना चाहिए। तो 1 और 8 बेटा ये ऐसा पेयर है जिनको प्लस करें तो 9 आता है। अब क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में, इसलिए दोनों यानी पेयर के साथ सेम साइन लगेगा। दरमियान में माइनस, तो दोनों के साथ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। 2y² माइनस 8y माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन, y माइनस 4, इधर से माइनस 1 कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन तमाम में से क्या चीज कॉमन आती है? y माइनस 4, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस का 4, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, और बेटा y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर 2। अब हमने मालूम करनी थी वैल्यू किसकी? बेटा हमने वैल्यू जो मालूम करनी थी वो मालूम करनी थी किसकी? x की। लेकिन यहां पर आ गई है y की। अब हम देखेंगे y को हमने किसके बराबर लेट किया था? हमने लेट किया था x के और y के बराबर। तो यहां पर आप दोबारा जो है वैल्यू पुट कर लें, y की जगह x² इज इक्वल टू 4 और x² इज इक्वल टू 1/2। अब हमें मालूम करनी थी वैल्यू x की, लेकिन हमारे पास आ रही है x² की, तो बेटा इनके लेने स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेने पर क्या आ गया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और इधर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है लेकिन 2 का नहीं होता, इसलिए 1 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा और 2 के ऊपर वैसे स्क्वायर रूट रहेगा। तो इस तरह से बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना? प्लस माइनस 2 और इसके बाद प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से बेटा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इस सूरत में उसने लिखा हुआ है, इसके बाद आपने लेट करके इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बेटा ये बिल्कुल सेम है, तो इनमें से क्वेश्चन जो है मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर, बल्कि क्वेश्चन 3 और 4 दोनों ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है 5x^(1/2), 7x^(1/4), -2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, क्या बनेगा? 5x^(1/2) -7x^(1/4), क्योंकि ये प्लस का इधर माइनस का हो गया और ये माइनस का इधर प्लस, विच इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से लेट करते हैं, x
कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 1/4 तो बड़ा है, फिर कहते हैं 1/4 बड़ा है, लेकिन याद रखना है अगर दो हम फ्रैक्शन कंपेयर कर रहे हो, दो फ्रैक्शन कंपेयर कर रहे हो, ऊपर वाला हिस्सा सेम हो नीचे वाला हिस्सा डिफरेंट हो, तो नीचे में से जो क्या होगा समाला पॉइंट की होगी जो छोटी होगी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। 1/2 हाफ बनता है, 1/4 जो है फोर्थ पार्ट बनता है, तो फोर्थ पार्ट हमेशा कम होता है और हाफ पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे एक्सपोनेंट में 1/2 जो है ये बड़ा एक्सपोनेंट है। लेट दिया x इक्वल 1/4 इज इक्वल टू y और इसका ले लें बेटा स्क्वायर, ये बन जाएगा x इक्वल 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब बेटा ये वैल्यूज पुट करें, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा 5 मल्टीप्लाई 2 सॉरी यहां 7y है, 7 यहां में 7 था, 7 है मल्टीप्लाई x रेज पर 1/4 तो 7 मल्टीप्लाई y आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 10। अब हमें इसके पेयर बनाने हैं, ऐसे पेयर जो प्लस करें 7 आ जाए, 2 और 5 का पेयर, और क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में है दोनों के साथ सेम साइन लगेगा, यानी दरमियान में माइनस है तो माइनस का साइन, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा 5y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 कॉमन तमाम में से 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस y इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1 और 5y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। अब बेटा x की y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x की रेस पावर 1/4, x रेस पावर 1/4 बेटे इक्वल टू क्या बन रहा है 1 के, y की वैल्यू पुट की है, y की वैल्यू बेटा क्या है x की रेस पावर 1/4। अब 1/4 है यानी फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट को खत्म करने के लिए पावर 4 लें, 1/4 की पावर 4 और 1 की पावर भी बेटा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 की पावर कितना भी हो फिर भी आंसर क्या रहता है 1 रहता है। दूसरी तरफ आ जाए बेटा x की रेस पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 ओवर 5 की पावर 4, तो बेटा क्या बनेगा x की रेस पावर 1/4 इसकी पावर भी 4 ले लें और 2 ओवर सॉरी यहां पर नहीं लेंगे, अगले स्टेप में हम ले रहे हैं जी, अगले स्टेप में इस स्टेप में लिया हम पावर 4 तो 2 ओवर 5 की पावर भी 4 ले, यहां पर हमने इस स्टेप से इस तरफ से नहीं ली थी पावर, इस तरफ से ले ली थी, आपने इसको इस तरफ से नहीं लेनी क्योंकि दोनों तरफ से पावर लेनी है, यहां पर आपने दोनों तरफ से पावर क्या ले ली 4 ले ली, 4 और 1/4 बेटा कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 की रेस पावर 4, इसका मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 मल्टीप्लाई टू 16 ओवर 5 कैटेबल 4 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये बनता है बेटा 5 5 25 25 5 दे 125 मल्टीप्लाई 5 625, ये हमारा बेटा क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 and 16 over 625। अब आपको अगले सवाल के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं तो आप जो है ना खुद करने की कोशिश करना, यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा आपने खुद सॉल्व करना है, x की रेंज पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की रेंज पावर 1/3, बेटा x रेज पावर 2/3 माइनस 15 x रेज पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, यहां लेट करना है, क्या लेट करना है x रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू y और इसका ले लें बेटा स्क्वायर, y का स्क्वायर x रेज पावर बनेगा 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, 2/3 कैसे बना 1/3 मल्टीप्लाई 2/1 तो बेटा ये बनता है आंसर 2/1
थ्री। इसके बाद इलेक्ट करने के बाद आपने इस रूप में ले लेंगे क्वेश्चन, ये y स्क्वायर माइनस 15 y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद इसको फैक्टराइज करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू की जगह x की रेंज पर 1/3 पुट करेंगे, तो उसके बाद क्यूब लेने के बाद, ये क्योंकि बेटा क्यूब रूट की तरह है, क्यूब लेने के बाद फिर इसका जो है सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा थोड़ा इससे मजीद डिफरेंट है, वो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5, 3x की रेज पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की रेज पावर -1। अब देखें बेटा इस तरह करेंगे कि 3x की रेज पावर -2 माइनस 8x की रेस पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर आपको अब आप करेंगे कि लेट करेंगे, क्या चीज लेट करेंगे, लेट ये करेंगे कि लेट x रेस पावर -1 इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब आप लें इसका स्क्वायर, x रेज पावर -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, बेटा नंबर 2 हो गया ये। अब आप वैल्यू पुट करें, क्या है 3x की रेज पावर -2 की जगह y स्क्वायर -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो बेटा होता है ये 15 y स्क्वायर, और क्योंकि ये प्लस में है लिहाजा पेयर प्लस करने वाला जो बनना चाहिए, यानी प्लस करने से 8 होना चाहिए, 115 और उसके बाद 3 और 5, बेटा 3 और 5 बनता है, 3 और 5 को प्लस करें तो 8 और मल्टीप्लाई करें तो 15, 3 y स्क्वायर माइनस 5 y माइनस 3 y। अब हमने दोनों के साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि प्लस करने से माइनस 8 बनना चाहिए था, इसलिए हमने दोनों के साथ क्या लगाया है, माइनस लगाया है। बेटा यहां y कॉमन, 3y माइनस 5, इधर से कुछ कॉमन नहीं आता तो माइनस 1 कॉमन, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इनटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा 5/3। इसके बाद देखिए बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। अब हमें ये करना है कि इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, y किसके इक्वल था, x की रेज पावर माइनस 1, x की रेज पावर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 5/3। दूसरा हिस्सा x की रेज पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बेटा ये करना है x की पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको उलट करना पड़ेगा, अगर 5/3 है 3/5 कर देंगे, इधर कर देंगे 3/5, तो ये x की रेज पावर जो नेगेटिव है नेगेटिव 1 में है, ये किस में हो जाएगी पॉजिटिव में, और x इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1/1 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। अब ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, 1 को 1 पे डिवाइड करें तो इस तरह आंसर कहीं भी 1 रहता है, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, अगर 1 का रेसिप्रोकल लेंगे वो 1 आएगा, रेसिप्रोकल 1 का लेने पर ये जो x की पावर रेस पावर -1 है
ये प्लस वन हो जाएगी। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन बनेगा 3/5 and 1। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये बिल्कुल सेम है। इनमें से बेटा मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं, आपने 6 और 8 जो है खुद अटेम्प्ट, बल्कि 6 और 7 जो है ना एक जैसे हैं, आपने 7 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं और 6 और 7 में से मैं आपको 7 क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा x/(x-3)+(4)(x-3)/(x=4)। इसके बाद बेटा हम कर लेंगे 8 और 9 में से एक क्वेश्चन कर लेंगे, पहले हम कर रहे हैं 6 और 7 में से, फिर 8 और 9 में से। अब यहीं पर बेटा लेट कर रहे हैं, लेट x/(x-3)=1। बेटा दोनों तरफ से उलट करें तो x-3/x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/y बेटा, ये नंबर 2। अब आप पुट करें इधर वैल्यूज, इसकी जगह आ जाएगा बेटा y+4×1/y=4। बेटा y से मल्टीप्लाई करें तो y+4×1/y=4y, y से y कैंसिल, ये बनेगा बेटा y²+4 और उधर प्लस का है -4y=0, y²-4y+4=0। बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे, y²+2 का स्क्वायर -2×y×2, ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। आप कंप्लीट स्क्वायर के तौर पर ही इसको ले लें, ये बनेगा y-2 का होल स्क्वायर = 0। बेटा स्क्वायर रूट लें तो क्या बनेगा, y-2=0 तो y=2। बेटा कीमत पुट करें, कीमत क्या है y की, x/(x-3) x/(x-3)=2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई में बेटा क्या हो जाएगा, 2×x-3=x×1x आएगा, 2×x(2x-6)=x, 2x+(-x), इधर माइनस का 6 है उधर प्लस का 6 हो जाएगा, तो x=2 क्या बनेगा 6। इस तरह से बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 6 बनेगा। अच्छा इसमें आपने एक और चीज नोट की होगी, जब मैंने 0 का स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस माइनस नहीं लगाया था, तो आपने याद रखना है 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए 0 के साथ ना प्लस का साइन लगता है और ना ही माइनस का साइन लगता है। तो ये हमारा जो है ना सिंगल ही जो है ना ये सोल्यूशन सेट होगा। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से मैंने कहा था इनमें से एक करा दूंगा, हम इसमें से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, x-a/(x+a)-x+a/(x-a)=7/12। अब बेटा देखिए हम आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 1 से 9 तक आपके लिए होंगे, यानी हाफ एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी हाफ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9, बेटा इसको इसी तरह से लेट करें, लेट x-a/(x+a)=y, फर्ज करें। अब आप दोनों को उलट करें तो x+a/(x-a)=1/y, ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, पुट करें y-1/y=7/12। अब बेटा ये एलसीएम, y आएगा
इसके नीचे 1 है, तो y डिवाइडेड बाय 1 y, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस अब आएगा 1, क्योंकि y डिवाइडेड बाय y आंसर 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 7 ओवर 12 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 12 into y square minus 1 is equal to 7 multiplied by 7y. ये बनेगा 12 y square minus 12 और यहाँ बेटा हो जाएगा minus 7y हो जाएगा is equal to 0. यानी 12 y square minus 7y minus 12 is equal to 0. अब हम बेटा करेंगे इसके बाद cos और tan को multiply. 12 multiply 12 144 वो भी माइनस में और y स्क्वायर इसके फैक्टर बनाए 1 से 144 और इसके बाद 2 से 72 इसके बाद 3 से 3 4 12 224 3 8 24 3 के बाद 4 4 3 12 और 224 और 4 6 24 4 के बाद 6 5 पे नहीं होता 6 पे 6 2 12 224 6 4 24 6 के बाद 7 पे नहीं होता 8 पे 8 1 8 6 64 8 8 64 इसके बाद 8 के बाद 9 9 1 9 5 54 9 6 54 बेटा ये तो यार ऐसा है क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में है इसलिए माइनस करने से 7 आना चाहिए यानी 16 में से 9 माइनस करें तो फिर आंसर क्या आता है 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पर ही क्या आएगा -144 और माइनस से पता चलेगा दोनों के साथ सेम साइन नहीं बल्कि डिफरेंट साइन लगाना है यानी एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस दरमियान में माइनस है तो बड़ी रकम के साथ क्या आएगा माइनस आएगा यानी मान लिया 12 y स्क्वायर माइनस 16 बढ़ाया फिर और 16 y फिर प्लस 9 y उसके बाद है माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बेटा इसमें से 4 y कॉमन 3 y माइनस 4 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 y 16 को 4 पे करो तो बेटा 4 आता है इसमें से प्लस 3 कॉमन और 3y minus 4 which is equal to 0 3y minus 4 into 4y plus 3 is equal to 0 3y minus 4 is equal to 0 3y is equal to 4 y is equal to 4 by 3. इसके बाद देखिए बेटा दूसरा हिस्सा 4y plus 3 is equal to 0 4y is equal to minus 3 y is equal to minus 3 by 4. अब हम देखते हैं बेटा y किसके बराबर था y की वैल्यू पुट करें y है बेटा x minus a over x plus a is equal to 4 by 3 और इसी तरह से x minus a over x plus a is equal to minus 3 by 4 cross multiply में बेटा हो जाएगा 4 into x plus a is equal to 3 into x minus a. अब आ जाएगा 4x plus 4a is equal to 3x minus 3a. अब हो जाएगा 4x plus का 3x है minus का 3x minus 3a ये 4a plus का इधर minus 4a हो जाएगा. तो बेटा x is equal to minus 7a बनेगा. एक सॉल्यूशन आ गया. इसके बाद देखिए बेटा दूसरा सॉल्यूशन है 4 into x minus a is equal to minus 3 into x plus a. minus 3 को इस नीचे वाले से 4 को इस ऊपर वाले से डिवाइड किया है क्या बनेगा 4x minus 4a is equal to minus 3x और minus 3a. अब बनेगा बेटा 4x माइनस का है प्लस 3x हो जाएगा और इधर बनेगा माइनस 3a और माइनस का है प्लस 4a हो जाएगा तो यहां पर बन जाएगा 7x is equal to प्लस का a और x is equal to a by 7 तो हमारा आंसर बना बेटा सॉल्यूशन सेट बनेगा
-7a और a/7 ये हमारा जो है सॉल्यूशन सेट है बेटा। इस तरह से आपने करना है कि इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस लाजमी करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो ग्रुप में शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।